ये दिल की लगी, दिल की लगी। हाँ बेटा, कैसा फील कर रही हो? तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ मॉम। फहमीदा, अब इसे आराम करने दो। डॉक्टर ने इसे ज्यादा बात करने के लिए मना किया। तुमसे ज्यादा स्टूपिड इंसान मैंने नहीं देखा आज तक। सर मॉम, मुझे बात करने दें इससे। क्या फजूल हरकत की है तुमने ये? अरसन, तुम्हारी की तबीयत ठीक नहीं है। इसका दिमाग भी ठीक नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे इस सब के। उस डॉक्टर के सामने मुझे और डैड को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना पड़ी है, वरना वो पुलिस को इन्वॉल्व कर लेता, क्योंकि ये एक सुसाइड केस था। और ऐसे केस पुलिस केस बन जाते हैं। ये कौन सा तरीका था अपनी शर्मिंदगी के इजहार या अपनी गलती पे पछताने का? अरसल, तभी मैं तुम्हें समझा रही थी। कम से कम तुम अपना रवैया तो इसके साथ सही रखो। ये ऑलरेडी डिप्रेशन में थी। मॉम, क्या मतलब है? मुझे गुस्सा था तो इसका मतलब ये है कि ये खुदकुशी कर लेगी। अरसल, तुम अब भी इस पे गुस्सा कर रहे हो, जबकि हॉस्पिटल में तुम अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे थे। कसूरवार तो खुद को मैं अब भी समझता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत समझदार और अकलमंद समझता था। मुझे तुमसे इतनी बुजदिली और हिमाकत की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। I'm sorry, भाई। चलो रोना बंद करो। And I'm sorry, मैं भी बहुत हार्श हो गया था तुम्हारे साथ। मुझे नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ इतना हार्श बात। लेकिन आइंदा खबरदार जो तुमने इस स्टूपिडिटी का सोचा भी। जी भाई। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट हो तुम हमारे लिए। चलो अब बस तुम रेस्ट करो। डॉक्टर ने क्या कहा था याद है ना? वक्त पे सोना है और स्ट्रेस नहीं लेना है तुम। मॉम, मेरा ख्याल है कि आज आप इसके पास रुको, इसे अकेला मत छोड़िए। नहीं मैं, वो खुद रुक बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। अकेले तो मुझे वैसे भी नींद नहीं आएगी, तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। आंटी, अगर आप इजाजत दें तो मैं तुम्हारे के पास रुक जाऊँ, आप रेस्ट कर लो यार। ठीक है बेटा, देख लेते हैं। डैड, आप टेंशन ना लें, आप स्ट्रेस लेंगे तो आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। और अल्लाह का शुक्र है कि तुबा अब बेहतर है पहले से। हाँ खजान, प्लीज इतना मत सोचिए, सब कुछ सही हो जाएगा। तुबा ठीक है? तुबा क्या सो गई? नहीं सोई नहीं है, लेकिन उर्वा उसके साथ ही है। अरसल, तुम्हें भी तुबा का ख्याल करना होगा, अपनी नाराजगी खत्म कर लो। वो छोटी उससे गलती हो गई, मैं उसकी तरफ से ही नहीं, मुझे तुम्हारी तरफ से भी बहुत परेशानी है। अब तुम्ही को उसे संभालना है, हो गई गलती उससे। ठीक है डैड, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। बस अब इन बातों को छोड़े और आप भी रेस्ट करें, रात बहुत हो गई। गुड नाइट। मेरा फोन, मेरा फोन कहाँ है? फोन ढूंढ रही हो ना? जी भाभी, वो ताबिश की कॉल्स आ रही थी। तुम भाभी, वो दुबा
तुम उन पिक्चर्स की वजह से खुदकुशी कर रही थी? भाभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, 50 लाख मांग रहा था वो मुझसे, कहां से लाती मैं? आपने मुझे बचा के अच्छा नहीं किया। धूपा, लेकिन मरने के बाद जिल्लत के सिवा और क्या हासिल होता? क्या एक मिनट के लिए भी तुमने ये सोचा कि खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहते? कुछ ही देर में उनकी हालत क्या हो गई थी तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। इसी जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए मैंने ये सब किया था। सब पिक्चर्स पोस्ट कर देगा भाभी। धूपा, अगर बात सिर्फ पैसों की है ना, तो मैं तुम्हें अपना जेवर बेच के पैसे दे देती। अगर वो भी कम पड़ जाते तो कोई और रास्ता निकाल लेते, किसी और तरह मैं तुम्हें पेमेंट कर देती। मगर क्या तुम्हें उसकी छोटी बातों पे भरोसा है? एक ब्लैकमेलर पे भरोसा कर रही हो तुम? क्या गारंटी है कि कल को वो तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करेगा? भाभी उसने कहा है कि वो, तुम एक कॉन्फिडेंट और पढ़ी लिखी लड़की हो, और वो इंसान तो पहले तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ चुका है, तुम उस पे कैसे भरोसा कर सकती हो? मुझे तो वैसे भी लगता है कि ये ताबिश किसी गैंग का हिस्सा है, जो इसी तरह मासूम लड़कियों का फायदा उठाते हैं, उनसे पैसे लूटते हैं। भाभी तो मैं क्या करूं, आप बताएं मुझे। तूबा, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है? जी। तो फिर बहनों की तरह मेरा मशवरा मानो और मुझे अरसल को इस पूरी बात में इन्वॉल्व करने दो। नहीं भाभी नहीं, भाई मुझे जान से मार देंगे, आपको पता नहीं मुझसे कितने खफा है अभी भी। तूबा, वो तुमसे इसलिए खफा है क्योंकि तुमने उनका भरोसा तोड़ा है। अगर तुमने पहले अरसल की बात मान ली होती तो तुम उस रात घर से यूं भागती नहीं, इतनी बड़ी गलती नहीं करती। मेरी बात ध्यान से सुनो, इससे पहले कि मामला बहुत बिगड़ जाए, इस मामले में अरसल को इन्वॉल्व करने दो। मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास कोई बहुत अच्छा हल होगा। तूबा भाभी, और अगर उन्होंने समझा कि वो असली पिक्चर्स हैं, फिर वो असली पिक्चर्स जब है ही नहीं तो तुम्हें डर किस बात का है? जो गुनाह तुमने किया ही नहीं उसकी सजा तुम क्यों काटो? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? नहीं नहीं, अच्छा है अच्छा है, लेकिन वो उर्वाना जरा अच्छी शक्ल की थी, प्यारी थी मतलब, तो उस पे तो कोई भी रंग जच जाता था। लेकिन चलो तुम्हारी मर्जी। आप उर्वा और फरवा का कंपैरिजन मत किया करिए, फरवा उर्वा नहीं है। मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। नहीं, रुको एक सेकंड। वो आप ही की बातों को दिल पर मत लेना, ऐसे ही बोल देती हैं। नहीं नहीं, भला ऐसी बातों को दिल पे कौन लेता है? और मैंने तुम्हें उस नजरिए से वो गिफ्ट नहीं दिया था, वो एक्चुअली मेरा फेवरेट कलर है, पता नहीं क्यों उस पर नजर टिक जाती है। मैंने भी इसीलिए पहना था क्योंकि आपने मुझे अपनी पसंद से दिया था। वैसे मैं ऐसे कलर्स पहनती नहीं हूँ क्योंकि मुझे अंदाजा है कि कोई भी कलर मुझे सूट नहीं करता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सूट कर रहा था, बहुत अच्छी लग रही थी तुम। आप बस मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है फरमा। अच्छा लग रहा है कि आपको मेरी फीलिंग्स का एहसास है। नुमैर, आप तो जानते कि मैं बहुत रियलिस्टिक हूँ और ना ही मुझे कोई कॉम्प्लेक्सेस है, और इसलिए अगर आपकी बहन या कोई और मुझे ये सोच कर टारगेट करे कि मेरी फीलिंग्स हर्ट होंगी, वो गलती करेंगे और अपना ही मुकाम गंवाएंगे। बाकी ऐसा तो नहीं है कि आप मेरा कंपैरिजन अपनी पहली बीवी से नहीं करते, और इसके लिए मैं आपसे शिकवा भी नहीं करूँगी क्योंकि ये आपका माजी है और एक हकीकत है। ऐसी बातें करते रहेंगे तो मैं आज लेट हो जाऊंगी, मैं चलती हूँ। इश्क दरोगे अगर लग जाए, पल पल बढ़ता
ये ले। तूबा कैसी है? ठीक है, अब बेहतर है पहले से। थैंक यू, तुम्हारी वजह से एक बार फिर तूबा महफूज रही। तुम्हारा ये एहसान मैं नहीं भूलूं। तुम जानती हो कि अगर वो मेरी वजह से कुछ भी कर गुजरती तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। मुझे बहुत अफसोस है कि उसने मेरे रवैये से दिल बर्दाश्ता हो। अगर तूबा ने ये कदम किसी और वजह से उठाया हो तो क्या तब भी आपको इतना ही अफसोस होगा? क्या मतलब? अगर कोई ऐसी परेशानी जिसे वो शेयर तो करना चाहती हो, अगर डर रही हो तो। लेकिन ऐसी क्या बात है जो वो बता नहीं सकती और इतनी खौफजदा है? और वो मुझे बताओ मसला क्या है? अरसल ताबिश तूबा को ब्लैकमेल कर रहा है। उसने उसकी कुछ पिक्चर्स एडिट करके बना लिए। वो उससे कह रहा है कि मुझे 50 लाख रुपया दो वरना वो पिक्चर्स वायरल कर देगा। What? पर तूबा वो इतनी खौफजदा है, वो कह रही है कि वो पहले ही आप सबकी नजरों से गिर चुकी है। अगर अब आप लोगों को ये बात पता चलेगी तो वो सबको कैसे फेस करेगी? देखा तुमने एक गलत इंसान पर भरोसा करने का अंजाम। इस तरह के लड़के ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल करके लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं। असल लेकिन मैंने तूबा को यकीन दिलाया कि आप उसके लिए कुछ करेंगे, आप इस मामले को हैंडल करेंगे। तो तुम चाहती हो कि मैं उस ब्लैकमेलर और घटिया इंसान को 50 लाख रुपए दे दूं? नहीं, मैं ये क्यों चाहूंगी कि आप उसे पैसे दे दें। आप उसे पुलिस के हवाले करें, जो काम पहले अधूरा रह गया था उसे अब मुकम्मल करें। मॉम डैड को इस बारे में नहीं बताया। डैड की तबीयत ठीक नहीं है। डोंट वरी, मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा। उसका एड्रेस मुझे पता है, मैं आज ही जाके पूछता हूँ। वेटर, तो फिर क्या रिएक्शन था तुम्हारी प्यारी भाभी का? ठीक था। मुझे तो लगा यकीनन उन्होंने कोई जंग शुरू कर दी होगी। नहीं यार, जंग क्यों होगी? खैर अलीना, अब मैं सारी कश्तियां जला चुका हूँ। डू एंड डाई की सिचुएशन। यू नो व्हाट, अम्मी भी आने का कह रही थी लेकिन फिर अचानक से उनका ब्लड प्रेशर लो हुआ तो उन्होंने कहा कि तुमने कॉल करके प्लान बना लिया तो कैंसिल करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे मजबूरन आना। मजबूरन? अच्छा जी, तुम्हारा मुझसे पर्दा कब शुरू हुआ भाई? भाई अम्मी और भाभी तो आजकल शादी की प्लानिंग कर रही हैं, तुम्हें भी साथ लेके जाएंगे। भाभी, यू मी नंबर? हाँ हाँ, बड़ी खुशी से तैयारियां करी है हमारी शादी की। तुम मजाक कर रहे हो भाभी। भाई ना लो तुम मेरी बात को सीरियस। मुझे नहीं यकीन इस बात में कि अम्बर खुश हो सकती है। भाई अलीना, ट्रस्ट मी, बड़ी एक्साइटेड है अम्बर भाभी। मेरा ख्याल है सारे हथियार डाल चुकी है। नामुमकिन, उनके दिमाग में यकीनन कुछ चल रहा होगा। अच्छा ना, छोड़ो इस बात को भाई, हो सकता है कॉम्प्रोमाइज कर चुकी हूँ क्योंकि उन्हें ये बड़ी अच्छी तरह पता है कि मैं अपनी बात से 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला। खैर उन्होंने शिकवा जरूर किया था कि तारीख फाइनल करने से पहले मैंने उन्हें बताया नहीं। हाँ लेकिन वो बात तो आई गई हो गई, अब तो अम्मी के साथ बैठ कर रोज प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में एक बात सोच रही थी, अब उनका आप ही के लिए तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी? ये भी कोई पूछने वाला सवाल है, डेफिनेटली करेगी वो प्रॉब्लम क्रिएट। उनका क्या लिंक है आप ही से? आप ही तो अपने घर में हो। अरुण, हमारी शादी पे सब होंगे। मुझे तो लगा अंबर आप ही शायद नाराजगी में शादी में शिरकत ही नहीं करेंगे और आप ही सुकून से शादी एंजॉय कर लेंगे अरसल भाई के साथ। वैसे अलीना, ये बात एक्सपेक्ट करना भी ना एक हिमाकत है। अम्मी और फरहान भाई उन्हें हर हाल में अपने साथ रखेंगे। वैसे अलीना एक बात कहूँ? देखो अलीना, मुझे गलत मत समझना, अब काफी अरसा हो गया और वापी की शादी, अब तक तो तुम लोगों को वो बात बता देनी चाहिए थी। अम्मी, नापी की तलाक, मेरा मतलब है तुम लोग कब तक इन बातों से छुपते रहोगे, डरते रहोगे? शादी पर 10 लोग और होंगे, कोई भी बात कर सकता है। अम्मी, कब तक छुपाओगे ये बात? इस बारे में क्या कह सकती हूँ हारी, अव्वल तो उनको ये बात छुपानी ही नहीं चाहिए थी लेकिन अब्बू की मर्जी थी कि ये बात किसी को पता ना चले। ठीक
लेकिन अरसल भाई हैं बहुत अच्छे और आप ही ने भी पूरी कोशिश की कि वो अपने कुलूस से उनके दिल में जगह बना सके। पर तुम्हें पता है वो आज भी आप ही को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। अरे फिर तो कोई बात ही नहीं है रीना, आप ही कोई भी मुनासिब वक्त देख के भाई से बात कर लेनी चाहिए, उनका खौफ भी खत्म हो जाएगा। हाँ तो तुम्हारी ठीक है आ रही है, मैं आप ही से इस बारे में डिस्कस जरूर करूंगी। मम्मी अब्बू को तो समझाना बिल्कुल बेकार। अच्छा सुनो, बहुत बातें हो गई, अब चले, तुम्हारे लिए कपड़े भी खरीदने। मैंने लो भाई, अब ये सब भी करना पड़ेगा तुम्हें खुश रखने के लिए। Obviously हारून, और तुम्हें पता बहुत लंबी लिस्ट है, अम्मी ने मुझे पैसे देके भेजे कि आज मैं खुद तुम्हें शॉपिंग कराऊं। ठीक है भाई, ठीक है चलेंगे। पता नहीं वेटर कहाँ रह गए। वेटर क्या बात है मुमताज, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ बस वो जरा बीपी लो रहा है। अरे ये बीपी लो था तो मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। और क्या जरूरत है तुम्हें ये घर के काम करने की? अलीना से कहा करो, वो करेगी। नहीं काम तो कोई खास नहीं कर रही थी मैं, बस वो अलीना के लिए कुछ शॉपिंग की थी, वही चीजें मैं चेक कर रही थी। बस अलीना भी आने वाली होगी, हारून उसे अपने साथ शॉपिंग पर लेके गया, बेचारे को ऑफिस से भी ऑफ लेना पड़ा। ठीक है तुम वो फर्नीचर भी तुम और अलीना चल के पसंद कर लेना ताकि मैं ऑर्डर दे दूंगा। लेकिन राशिद ये सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है कि शादी में अगर अरसल के घर वालों के सामने किसी ने उर्वा की तलाक के बारे में कुछ कह दिया तो क्या होगा। हमने चोरों की तरह छुपकर उर्वा की शादी तो कर दी है, तो क्या अलीना की शादी भी हम चार लोगों के दरमियान ही करेंगे? राशिद एक बात कहूं, अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि हम अलीना को इस तरह रुखसत कर दें? किसी ना किसी रिश्तेदार को तो बुलाना पड़ेगा ना हमें। अरे तो कौन बताएगा उनको इस बारे में, और जरूरत क्या है किसी को बुलाने की? लेकिन राशिद हम ये पाबंदियां हारून और उसके घर वालों पर तो नहीं लगा सकते ना। तुम साफ साफ कहो ना, तुम अंबर से खौफजदा, तुम्हें यकीन है कि वो उर्वा का घर खराब करेगी, और इसीलिए मैं कह रहा था कि इस रिश्ते से मैं मुतमईन नहीं हूँ। सिर्फ एक अंबर की बात नहीं है राशिद, उसे तो अभी तक ये नहीं पता कि उर्वा की तलाक का किस्सा हमने उसके ससुराल वालों से छुपाया हुआ है। लेकिन राशिद मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर कब तक चोरों की तरह जिंदगी गुजारेगी मेरी बेटी। काश ये बात पहले बता देते तो फकत ये रिश्ता न होता। मुझे तो अब सिर्फ ये डर लग रहा है फकत एक चिंगारी सब कुछ जला के राख न कर दे। अल्लाह मेरी बेटी को अपनी हिफाजत में। देखो बेटा, तुमने एक गलती की अनजाने में, और दूसरी गलती सोच समझ के करने से क्या पहली गलती का जाला हो सकता है? नहीं ना, फिर ऐसी अहमकाना हरकत करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? बस जो हुआ सो हुआ, आज के बाद हम सब लोग इस बात को भूल जाएंगे और कभी इस टॉपिक को डिस्कस भी नहीं करेंगे। और हाँ एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम अकेले अपने कमरे में बिल्कुल नहीं बैठोगी, यहाँ हमारे साथ बैठोगी। मुस्कुराती हंसती चंचल वाली तूबा चाहिए हमें, समझ आई? डू यू अंडरस्टैंड दैट? परेशान मत हो तूबा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आंटी चाय प्लीज। <laughs>
जी इंस्पेक्टर साहब, पकड़ा गया है। इंस्पेक्टर साहब मेक श्योर कि अब वो वापस बाहर ना आए, आपने उसे लंबा अंदर रख लिया। थैंक यू। और बताओ कैसी गुजर रही है जिंदगी? शादी के बाद तो तुम्हारी बहुत मसरूफियात बढ़ गई होंगी। नहीं, मसरूफियात तो नहीं है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। ये तो जाहिर सी बात है। वैसे तुम्हारे शोहर कैसे हैं और तुम्हारे ससुराल वाले, उनका बिहेवियर कैसा है तुम्हारे साथ? बिहेवियर क्या बताऊं मैं तुम्हें? क्या तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते? नहीं, मैं अच्छे हैं, ख्याल रखते हैं, बट उनकी बहन बहुत कंट्रोलिंग है और मुंह पे झूठ बोलती है। बताया था ना मैंने तुम्हें? हाँ, मुझे याद आया, तुमने बताया था। जब घर पे आती हैं कोई ना कोई इशू खड़ा कर देती हैं, और अगर नहीं आती तो आंटी को मशवरे देती रहती हैं। पता नहीं उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो इस टाइप की भी नहीं हूँ कि उस तरह की औरतों से बात करूँ। तुम उमेर से बात करो, बताओ उसके बारे में कि उसकी बहन क्या कर रही है। बार बार उमेर को कंप्लेन करना भी अच्छा नहीं लगता। उन्होंने एक दो बार उनसे बात की लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। जब घर में सुकून नहीं होता तो इंसान बहुत उलझ जाता है। मैं आजकल किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं मैं जॉब कैसे कंटिन्यू करूंगी। तुम इतनी बहादुर हो फरवा, इतनी कॉन्फिडेंट हो, इतनी जल्दी बौखला रही हो। मैं कह रही भैया मुझे कुछ आर्टिफिशियल सा लगता है। क्या मतलब? ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ बहुत सारी बातों पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं अपने साथ। शायद मैं उनके मेयार पे नहीं उतरती। वो अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे। तुम एक पॉजिटिव इंसान हो, अच्छा सोचो, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। अरसल, क्या हुआ, कुछ पता चला? पकड़ा गया है वो उर्वा। सच? मैंने पुलिस और साइबर क्राइम दोनों में कंप्लेन कर दी थी। उन्होंने फौरन एक्शन लिया और अब वो और उसका साथी दोनों पुलिस कस्टडी में है। इसके अलावा मैंने साइबर क्राइम में बात की थी, उन्होंने मेरे सामने सारा डेटा इरेज किया और मुझे यकीन दहानी भी कराई है कि अब उस डेटा को कोई मिसयूज नहीं कर सकता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अरसल, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं बस अभी तूबा को बता के आती हूँ। अभी सब सच है ना? हाँ बिल्कुल सच है, तुमने खुद अरसल की बात नहीं सुनी। अब तो सारी परेशानी, सारी टेंशन खत्म हो गई है। भाभी, मेरी इतनी बदतमीजी और इंसल्ट के बदले में आप हर वक्त मेरे साथ खड़ी रही, हर वक्त मेरी मदद करती रही। इस एहसान का बदला मैं आज... एहसान नहीं है ये, तुम्हारी इज्जत, इस घर की इज्जत। मुझसे अलग तो नहीं है ना तूबा? तुम्हें क्या लगता क्या मैं तुम्हें यूँ रुसवा होने देती? और जो हिम्मत और समझदारी उर्वा ने दिखाई वो तुम्हें दिखानी चाहिए। सुनाई तुम इतनी स्टूपिड होगी मुझे नहीं पता। अरसल भाई, आई एम सॉरी, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रेन डेड हो गया हो, अकल काम करना छोड़ गई हो। मेरी वजह से आप लोगों को इतना कुछ फेस करना पड़ा। नहीं, मुझे कुछ नहीं फेस करना पड़ा। हाँ, लेकिन उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। आई मेक श्योर कि वो आसानी से बाहर ना निकले। और एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी सिचुएशन या प्रॉब्लम ये सोच कर नहीं छुपाना कि उसका नतीजा क्या निकले, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम छुपाने से हल नहीं हो सकती। और अब खुद देखो, सच बताने का अंजाम तुम्हारे हक में बेहतर ही था ना। खैर, एनीवेज, अब हम में से कोई भी इस टॉपिक के बारे में कभी कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मॉम और डैड को कुछ भी पता चले। उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत परेशान होंगे, दुख होगा उन्हें, और मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहता। ओके?
मम्मी आज सैलरी ट्रांसफर हो जाएगी, आज रात को आप उसे घर के खर्च के पैसे ले लेना। अच्छा बेटा, लेकिन वो जो तुम दूसरी नौकरी ढूंढ रहे थे ना, उसका क्या बना? उसका अभी तक तो कुछ नहीं बना, आप बस दुआ करना। हाँ चलो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह अच्छा करेगा, मिल जाएगी। फरवा जी। आंटी। बेटा तुम्हारी सैलरी कब मिलेगी? आंटी 25-26 तक सैलरी ट्रांसफर हो जाती है। 25 को जाती है? आज तो 5 है, तुमने बताया नहीं, और घर के खर्च के पैसे भी नहीं दिए तुमने। अम्मी घर के खर्च के पैसे मैं दूंगी, फरवा क्यों देखी? मगर बेटा तुम जो पैसे देते हो उसमें कहाँ गुजारा होता है, पूरा कहाँ पड़ता है? अम्मी आपको कितने पैसे चाहिए मुझे बताएं आप। बेटा तुम तो अच्छी तरह जानते हो कितनी महंगाई है आजकल, है हर चीज 4 गुना बढ़ गई है। लेकिन अम्मी मेरी सैलरी कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई। अरे बेटा तो तुम्हारी बीवी कमा रही है ना, उसे घर में हिस्सा डालना चाहिए, आखिर तुम्हारा हाथ बटाएगी तो क्या अर्ज है? अम्मी फरवा अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है, मैं नहीं समझता हूँ मुझे उससे पैसे लेने चाहिए अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अपने घर के खर्चों के लिए। मैं दूसरी जॉब ढूंढूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मेरा यकीन करें मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे, प्लीज। तो क्या तुम्हारी बीवी जो है वो सिर्फ अपने घर का खर्चा चलाएगी है, उनका पेट पालेगी? वाह बेटा वाह, नाज रख ले तुम बेटा, है उसको छोड़ने जाओ, उसको लेने आओ, है पूरी तीमारदारी तुम करो और वो अपने घर वालों का पेट पाले। वाह वाह वाह, बहुत खूब भाई, पहली दफा देखा हमने तो ये बात। सुनो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ ऐसा नहीं चल सकता, बस बर्दाश्त नहीं कर सकता। अम्मी मैंने बताया था आपको शादी से पहले मेरी और फरवा की बात हुई थी, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फरवा उठाएगी, आपको पैसे, मेरा घर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और देखिए अम्मी आप और फरवा मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस तंगी को मैं दूर करूंगा। देखो अम्मी ने मुझे शादी में पहनने के लिए जोड़ा दिया है, अच्छा है ना? रोज तुम मम्मी के साथ जाती हो शॉपिंग करने अलीना के लिए, लेकिन अपने लिए कुछ ना कुछ उठा के ले आती हो, उसके लिए शॉपिंग करना शुरू की कि नहीं? उसके लिए भी बहुत शॉपिंग शुरू की, उसके लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे हारून ने खजाना खोल दिया। उस बेचारे के पास कौन सा हारून का खजाना है? जिस तरह अम्मी शॉपिंग कर रही है उसके लिए लग तो यही रहा है कि कारों का खजाना है। चलो ये तो अच्छी बात है, अल्लाह पाक उन्हें और दे, वो बेचारी मेहनत भी तो बहुत करती है। मुझे तो लग रहा है अम्मी जानबूझ के कर रही है, उर्वा की शादी अच्छे घर में हुई है ना, शायद इसी वजह से कॉम्प्लेक्स हो गया उनको, उनको टक्कर देने के लिए ज़्यादा अच्छा कर रही है। नहीं नहीं ना, हारून की तबीयत ऐसी है ना अम्मी की, वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपने मुताबिक कर रहे हैं, और अम्मी तुम्हें भी बहुत दिल खोल के शॉपिंग करवा रही है ताकि तुम्हें कोई शिकायत ना हो। हाँ तो तुमने भी तो हाथ रुका हुआ ना, एक ढेला नहीं दिया अभी तक। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ वो मुमताज चाची कह रही थी ना कि हारून दूसरे घर में शिफ्ट होगा तो ही शादी करेंगी, वो बात हवा में क्यों रुक गई, कुछ बना कि नहीं? उनका मामला है हमें क्या, अम्मी समझा देंगी उसको। मैं सोच रही थी कि मैं अम्मी को बोलूं इस घर में जो भी मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दें। क्यों, तुम क्या करोगी इससे? अरे इस घर से हिस्सा लेंगे फिर उमेर भी तो हिस्सा देगा, हम अपना घर बनाएंगे। हमें अपना घर बनाने की क्या जरूरत है, हमारा ये घर है तो सही। और देखो उमेर के हालात में बहुत अच्छी तरह से जान रहा हूँ, अगर उसने घर बेच दिया तो वो खुद कहाँ रहेगा, बेघर हो जाएगा क्या, उसके बारे में तो कुछ सोचा नहीं। फिर
मतलब जी हमें कह रहे थे आपने इस वक्त फोन किया इसलिए कि मेरा दिमाग खोल रहा है और मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है क्यों क्या हुआ हुआ ये कि उमैर ने फरवा को अम्मी फरवा अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है मैं नहीं समझता हूँ मुझे उससे पैसे लेने चाहिए अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपने घर के खर्चों के लिए मैं दूसरी जॉब करूँगी मैं कोशिश करूँगा मेरा यकीन था मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे या अल्लाह कितनी शातिर और होशियार है मुझे उसी वक्त शक हो गया था जब मैंने उसको उमैर के साथ वहाँ पे देखा था और आप तो मुझे उस वक्त बहुत बातें सुना रही थी ना कि क्यों गई मैं वहाँ पे अब पता चला कि किस चक्कर में माँ बेटियों ने घेरा है उमैर को अरे मैं तो ये सोच रही थी कि शायद इसीलिए बीवी की गुलामी कर रहा है अरे सुबह उठकर उसे छोड़ने जाता है उसे तोहफे लाकर देता है लेकिन मुझे क्या मालूम था कि साबना अपने पैसे से कर रहा है उसके पैसे से कुछ नहीं कर रहा क्या करूँ अब आप उसकी बीवी को बोलें कि नौकरी छोड़े और घर बैठे और मासी को घर से बाहर निकाले सारे घर के काम कराए उसे जब उसकी सैलरी से आपको कोई फायदा नहीं है उसकी माँ के घर को ही भरना है तो आप क्यों ये धब्बा अपने सर पे लगवाएंगे कि आप बहू की कमाई खा रही है हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो करूंगी मैं उमैर से बात अरे पहले भी मैंने बात की थी लेकिन मेरे सामने ना डट के खड़ा हो गया था अरे इसलिए तो कमाने वाली बहू नहीं लाई ना मैं कि वो फल कोई और खा ले और हम यहाँ दुनिया को वजाहते देते फिरे हम तो नहीं खा रहे बहन अपनी बहू की कमाई वो तो अपने घर में दे रही भला कोई यकीन करेगा बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम हाँ मैं आज ही बात करती हूँ उमैर से बस कर लेना अम्मी आप बात मैं रखती हूँ फिर से कोई मेरी बातें ना सुने करूंगी मैं आज ही उमैर से बात ये भी कोई बात हुई दुख झेले भी फाख्ता और कौवे अंडे खाए हद हो गई भाई अरे बेटा तो तुम्हारी बीवी तुम्हारी ही है ना उसे घर में हिस्सा डालना चाहिए आखिर तुम्हारा हाथ बटाएगी तो क्या अर्जे मुझे अंदाजा था कि जब ये बात खुलेगी उनका रिएक्शन होगा इग्नोर करो उनको एक दो दिनों में वो बात ही भूल जाएंगे जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उन्हें या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्या हुआ जी बस एकदम से चक्कर सा आ गया था मैं ठीक हूँ ठीक हूँ नहीं तुम बिल्कुल ठीक नहीं हम डॉक्टर के पास चलते हैं चेकअप के बाद नहीं नहीं इतनी छोटी सी बात पे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है मैं ठीक हूँ इतनी छोटी सी बात एक काम करो तुम आज ऑफ ले लो इतनी आसानी से ऑफ नहीं कर सकती और वैसे भी इतने दिनों से सही नींद नहीं आ रही है तो शायद इसलिए आप परेशान नहीं हो मैं ठीक हूँ मुझे पता है फरवा तुम अम्मी की बातों को लेके अपसेट हो मैं उन्हें समझा दूंगा वो इस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं करेंगे प्रॉमिस उमेर आप बहुत अच्छे हैं जिस तरह आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी तुम भी बहुत अच्छी हो फरवा और अच्छी हम सफर की कदर करनी चाहिए जो मैंने नहीं की वरना आज वो होती मेरे साथ चले हाँ चलते कोई भी सिचुएशन या प्रॉब्लम ये सोच कर नहीं छुपाना कि उसका नतीजा क्या निकले क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम छुपाने से हल नहीं हो सकती और अब खुद देखो सच बताने का अंजाम तुम्हारे हक में बेहतर ही था आपी क्या सोच रही हैं अलीना मैंने फैसला कर लिया बस अब मैं अरसल को सब कुछ सच सच बता दूं मैं थक गई हूँ हर वक्त एक घुटन महसूस होती रहती है डर लगा रहता है कि कहीं कोई कुछ बता ना दे कुछ पता चल ना जाए
जिससे पहले कि अरसल को कोई और कुछ बताए मैं खुद ही उसे सच बता दूं। लेकिन आप ही नहीं अलीना, अब और देर नहीं करनी चाहिए। आज मैं सब कुछ अरसल को अपने माजी के बारे में सच सच बता दूं। ये दिल की लगी।